अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 6A। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन पेज नंबर 171 ऑफ दिस बुक। देयर इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज AM और PM टू राइट द गिवन राइट द टाइम्स गिवन बिलो। कहता है AM और PM मतलब एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये जो नीचे टाइम गिवन है इसको शो करने के लिए आपको मैं AM का बता दूं, जो हमारे रात के 12 से लेके सुबह के जो मतलब दोपहर के जो 12 बजते हैं तब तक जो टाइम होता है वो हमारा AM होता है, और दोपहर के 12 से लेके रात के 12 मतलब 11:59 तक हमारा वो PM चलता है, ठीक है। ए पार्ट में उसने हमें सॉल्व करके दिया है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, दिन के मतलब सुबह के जो है 8 o'clock है, तो AM उसने लिखा है। बी में कह रहा है 3 o'clock इन द आफ्टरनून मतलब नून के बाद दोपहर के, तो ये क्या हो जाएगा 3 दोपहर के बाद है तो 3 क्या आ जाएगा 3 PM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी में 5 hours बिफोर नून, कहते हैं दोपहर से 5 घंटे पहले। अब दोपहर हमारी होती है 12 बजे, ठीक है, 12 से 5 घंटे पहले क्या हमारा हो जाएगा 7, देखें ना, या 12 में से 5 माइनस कर ले हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 मतलब सुबह के AM आ जाएगा 7 एंटी मेरिडियन, ठीक है। डी में कह रहा है 2 hours बिफोर midnight आधी रात से, कहते हैं 2 घंटे पहले, तो आधी रात होती है 12 बजे, तो 12 से 2 घंटे पहले क्या आ जाएगा 10, तो रात की है ये, तो 7 क्या आ जाएगा PM। ई में कह रहा है 1 o'clock इन द मॉर्निंग, कह रहा है सुबह के 1 बजे, तो सुबह के जो मैंने कहा था सुबह के साथ हमारा क्या आएगा AM आएगा, ठीक है। एफ में कह रहा है 9 o'clock एट नाइट, 9 o'clock एट नाइट मतलब रात के 9 बजे, तो ये 9 PM आ जाएगा, ठीक है। जी में कह रहा है 1/2 hour बिफोर नून, कहता है दोपहर से आधा घंटा पहले, मतलब दोपहर होती है 12 बजे, तो 12 से आधा घंटा पहले क्या होगा 11:30 11:30 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा AM आ जाएगा। एच में कह रहा है 7 इन द इवनिंग शाम के साथ, तो ये दोपहर के बाद ही शाम होती है, तो 7 क्या आ जाएगा साथ PM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स विल हैव पास्ड When the minute hands move from, कहते हैं कितने मिनट जो हैं वो गुजर जाएंगे जब मिनट हैंड मूव करेगा। ए में कह रहे हैं 12 to 4, ये मैंने घड़ी बनाई है, मतलब ये कहते हैं 12 से लेके 4 तक जब मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा तो कितने होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जो नंबर हैं इनके दरमियान में कितने कितने मिनट्स होते हैं, 5 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, ए का आंसर क्या हो जाएगा 20 मिनट्स, एक ये मैं आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मिनट्स, MINUTES, ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है। और बी पार्ट में कह रहा है 12 to 8, अब देखें ये 12 है, 12 से यहाँ तक 8 बनते हैं, तो ये काउंट करें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये कितने मिनट्स बन गए हमारे 40 मिनट्स बन गए हैं। बी पार्ट का आंसर क्या है 40 मिनट्स, ठीक है। सी पार्ट में कह रहा है 12 to 9 मतलब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितने बने थे 40 और 5 और ऐड कर लें क्या हो जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है। डी में कह रहा है 12 to 12 मतलब ये 12 इस 12 से लेकर दोबारा 12 तक, तो ये कितने मिनट्स बनते हैं हमारे मतलब पूरे एक और में कितने मिनट्स बनते हैं 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें, ठीक है। ए में कह रहा है हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे डज द आवर हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 6, कहते हैं 2 से 6 तक जाने के लिए वो कितने आवर्स मतलब उसमें आएंगे, ठीक है। तो देखो 2 के आगे 3, 4, 5, 6 4 hours बनते हैं, तो यहाँ पर इसमें आंसर में क्या आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पर आंसर में 4 hours। बी में कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स, अब मिनट्स पूछ रहा है, डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 5, 2 से 5 तक मिनट बताने, 2 से लेके 5 तक, 5, 10, 15, तो ये कितने बनते हैं 15 मिनट्स बनते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी में 15 मिनट्स,
ठीक है. नेक्स्ट है सी पार्ट. सी पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स आर शोन इन द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑन द क्लॉक. कहते हैं क्लॉक में जो शेडेड पार्ट है वो भी कितने मिनट शो कर रहा है और जो अनशेडेड है वो भी कितने मिनट शो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए में कर रहे हैं ये शेडेड हाफ हाफ है. हमें पता है एक और में 60 मिनट्स होते हैं, तो हाफ शेडेड है हाफ शेडेड नहीं है, तो 30 मिनट शेडेड है और 30 मिनट जो है वो अनशेडेड है. तो यहाँ पर ए पार्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे शेडेड, शेडेड पार्ट उसमें कितने हैं 30 मिनट और अनशेडेड में उसमें भी कितने हैं, अनशेडेड पार्ट उसमें भी कितने हैं 30 मिनट है. ठीक है, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा. बी में, बी में देखें ये जो शेडेड है यहाँ पर लिखेंगे ऊपर शेडेड पार्ट है. अच्छा शेडेड में कितने हैं 5, 10, 15, 20 ये हैं 20 मिनट्स. ठीक है, और अनशेडेड में, अनशेडेड पार्ट इसमें देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तो बाकी कितने हैं 40 मिनट है. अनशेडेड में कितने हैं 40 मिनट. ठीक है, अच्छे से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.